हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेट मीट। आज हम आए हैं क्यूरे इस लोकेशन में और हम देखने जा रहे हैं 3 BHK का सैंपल फ्लैट। दरवाजे के बाहर आपको एक पैसेज स्पेस मिल जाता है, वही दरवाजे के अंदर यह है आपकी एंट्रेंस लॉबी फ्लैट की, जिसका साइज है लगभग 4x5 फीट। मेन डोर पे आपको डिजिटल लॉक देखने को मिल जाता है। दरवाजे के पीछे यहाँ पर आप आपका शू रैक की अरेंजमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आ जाता है आपका स्पेशियस एल शेप का लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, जिसमें लिविंग एरिया सेग्रीगेट किया है डाइनिंग एरिया से। इसमें सिर्फ लिविंग एरिया का साइज है लगभग 15.5x12 फीट, तो आपको विड्थ भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। आप कुछ इस तरीके से सोफा सेट की अरेंजमेंट कर सकते हैं। वही सामने की तरफ आप टीवी यूनिट लगा सकते हैं और यहाँ पर आप आपके डाइनिंग की अरेंजमेंट कर सकते हैं, जिसमें डाइनिंग का साइज है लगभग 11.5x5। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दिखाते हैं आपका फर्स्ट बेडरूम। ये बटरफ्लाई कंसेप्ट में 3 BHK है। यह आ जाता है फर्स्ट बेडरूम। आप इसे आपके गेस्ट बेडरूम की तरह डिजाइन कर सकते हैं। इसका साइज है लगभग 12x10 फीट, तो काफ़ी बड़ी साइज का ये बेडरूम दिया गया है। कुछ इस तरीके से आप फर्नीचर की अरेंजमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ अटैच आपको एक बालकनी देखने को मिल जाती है, जिसका साइज है लगभग 10x3 फीट। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको एक वॉक इन वार्डरोब जैसे एक वार्डरोब स्पेस की जगह दी गई है। यहाँ पर आप आपके वार्डरोब बना सकते हैं। उसी के बाजू में यहाँ पर आप इस तरीके से ड्रेसिंग की अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसके साथ अटैच दोस्तों आपको एक वॉशरूम मिल जाता है, जिसका साइज है लगभग 8x4.5 फीट। बढ़िया टाइलिंग्स एंड CP सैनिटरी फिटिंग्स इसमें दी गई है। सबकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके के नए नए वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आ जाते हैं आपके मेन बालकनी की तरफ। यह है आपकी मेन बालकनी। इसका साइज है लगभग 12x5.5 फीट। काफ़ी बढ़िया साइज की ये बालकनी भी दी गई है। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में आपको हाई राइज टावर्स मिल जाते हैं विथ 2 and 3 BHK स्पेशियस होम्स। आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं आपके किचन की तरफ। यह है आपका किचन एरिया, जिसका साइज है लगभग 9x8 फीट। एल शेप का कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड रहेगा। यहाँ पर आप आपके रेफ्रिजरेटर की अरेंजमेंट कर सकते हैं। माइक्रोवेव और मिक्सर के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आपका एक सिंक आ जाता है। कुछ इस तरीके से आप कैबिनेट्स वगैरह बना सकते हैं। वाटर प्योरीफायर के लिए भी प्रोविजन ऑलरेडी करके रखी है। इस फ्लैट की दोस्तों खास बात यह है कि हमारे तरफ भी डिमांड आ रही है कि आप ड्राई बालकनी सेपरेट वाला फ्लैट बताइए, तो ये है आपका ड्राई बालकनी, जिसमें आपको सेपरेट ड्राई बालकनी मिल जाती है। यहाँ पर भी एक सिंक प्रोवाइडेड है और यहाँ पर आपका प्रोविजन करके रखा है वॉशिंग मशीन के लिए। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट में आपको काफ़ी सारी लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ भी देखने को मिल जाएगी। ये आ जाता है आपका सेकेंड बेडरूम। आप इसे आपके चिल्ड्रंस बेडरूम की तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका साइज़ भी अच्छा है, 11x10 फीट इसका साइज़ है। बड़े साइज़ की विंडो प्रोवाइडेड है लाइट एंड वेंटिलेशन के लिए, जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया दी गई है। कुछ इस तरीके से आप फर्नीचर की अरेंजमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों, ये मुकाई चौक से काफ़ी पास में है प्रोजेक्ट, तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है इस प्रोजेक्ट से। पूरे घर में आपको वेस्टेरियर या ना के बराबर देखने को मिल जाता है। कॉमन वॉश बेसिन बाहर की तरफ दिया है, ताकि गेस्ट वगैरह आए तो इसे यूज़ कर सकते हैं। यह है आपका कॉमन वॉशरूम। इसका साइज़ है लगभग 6.5x4.5 फीट। आपके गेस्ट वगैरह इसे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है आपका ये मास्टर बेडरूम। इसका साइज़ है लगभग 12x10 फीट। आप इस तरीके से यहाँ पर फर्नीचर की अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों और एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, वो आगे चल के मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके साथ भी अटैच आपको एक बालकनी मिल जाती है। इसका साइज है लगभग 10x3 फीट। जी हाँ दोस्तों, ये प्रॉपर 3 BHK है विथ 3 balconies, 3 washrooms। जो सरप्राइजिंग एलिमेंट मैंने बताया था वो है ये। यहाँ पर भी आपको एक वॉक इन वार्डरोब स्पेस की जगह मिल जाती है। इस तरीके से आप वार्डरोब बना सकते हैं और उसी के सामने आप यहाँ पर ड्रेसिंग की अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके 12x10 के साइज़ के अलावा है, तो काफ़ी बढ़िया साइज़ का ये मास्टर बेडरूम भी है। यहाँ पर आ जाता है आपका इसके साथ अटैच वाला वॉशरूम, जिसका साइज है लगभग 8x5 फीट।
यहाँ पर भी प्रीमियम टाइलिंग्स एंड फिटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये था 3BHK का सैंपल फ्लैट पुणे के क्यूड़े इस लोकेशन का। आपको ये कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी चाहिए या फिर यहाँ पर साइट विजिट करानी है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मीनवाइल आप ये वीडियो देख सकते हैं या ये प्लेलिस्ट भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।